साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं SBI की एक धमाकेदार चिल्ड्रन बेनिफिट स्कीम के बारे में। जनरली हमारे सभी के घर में बच्चे होते हैं, तो उसको हायर एजुकेशन के लिए या फिर उसकी शादी के लिए खर्चे की वजह से हम टेंशन में रहते हैं। लेकिन SBI की धमाकेदार स्कीम है, जो अभी से आप इन्वेस्ट करोगे तो बच्चों के लिए हायर एजुकेशन या फिर उसके शादी वगैरह के लिए खर्चे में आपको टेंशन रहेगा नहीं। अभी से ही इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे तो आगे जाके आपको बहुत बड़ी अमाउंट मिलने वाली है, वो आज के इस वीडियो में देखने वाले। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे पैसा आपको कहाँ लगाना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हम बात करने वाले हैं जो स्कीम का नाम है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बहुत ही अच्छा प्लान है। एज की बात करें तो इसने अभी तक 47.11% का रिटर्न निकाल के दिया है, जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से। दोस्तों, ए फंड का पैसा जो होता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। आप जनरली जानते हो शेयर मार्केट में क्या होता है। शेयर मार्केट में आपको रिस्क रहता है, इसका रिस्क आए रहता है। लेकिन दोस्तों, जिसका रिस्क आए है उसका रिटर्न भी आए रहता है, इसलिए आप देख सकते हो इसमें रिटर्न कितना दिया है। 47% तक उसने रिटर्न दिया है अभी तक। दोस्तों, अभी इसकी बात कर लेते हैं फंड साइज़ के बारे में। इसका फंड साइज़ है 690 करोड़, यानी कि इतने पैसे लोगों ने लगाए हैं इस स्कीम के अंदर। बहुत ही अच्छा लोगों ने पैसा लगाया है, क्योंकि ये चिल्ड्रन के लिए है तो बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है। और इसके NAV के बारे में बात करें तो अभी इसकी NAV है 24.39। दोस्तों, NAV मतलब क्या? नेट एसेट वैल्यू, मतलब जो यूनिट होगा उसकी प्राइस आज की तारीख में कितनी है। ये भी NAV भी इसकी अच्छी है। अभी दोस्तों आगे बात करें तो इस स्कीम में आपको कितना पैसा मिनिमम लगाना है। दोस्तों, इसके अंदर आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक तो SIP के जरिए भी कर सकते हो और लमसम के जरिए भी कर सकते हो। SIP के जरिए बात करें तो हर महीने आपको, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना है तो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। हर मंथली 500-500 कटेगा, उसको बोलते हैं SIP। अगर आप लमसम बात करते हो तो 5,000 रुपये लमसम आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। अभी दोस्तों बात करें इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो का, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 2.55। अभी इसकी होल्डिंग के बारे में बात करें तो टॉप होल्डिंग कहाँ कहाँ है इसकी? दोस्तों, इसकी होल्डिंग की बात करें तो आप देखते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है होल्डिंग, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, डोडला डेयरी लिमिटेड, अल्फाबेट INC, ICICI बैंक वगैरह में इसने पैसा लगाया हुआ है। दोस्तों, सेक्टर वाइज बात करें तो इक्विटी शेयर में इसने 80% तक अपना पैसा लगाया है, फिर डेब्ट सिक्योरिटी में है, फिर फ्यूचर में है, राइट्स में है वगैरह, इस टाइप का अलोकेशन आप देख सकते हो, सेक्टर अलोकेशन। अभी दोस्तों हम ये माने कि आप 10,000 का इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। मानो कि आपने लमसम में डाल दिया 10,000 रुपया, अभी हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 25%। अभी तो इसने तो रिटर्न दिया है 47%, लेकिन हम उससे आधा रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं कि भाई 25% तक आपको रिटर्न मिलेगा। अभी आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए, अगर 25% रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपको मिलने वाला है 93,000। आप देख सकते हो यहाँ पे 93,000 तक आपको पैसा मिल जाएगा। अभी बात करें तो 10,000 आप इन्वेस्ट करोगे 15 साल तक, तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 2,84,217, यानी कि आपको यहाँ पे 2,80,000 तक रुपये मिल जाएगा 15 साल तक आप लॉक करते हो पैसा। तो फिर दोस्तों बात करते हैं 20 साल के लिए, आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 8,67,000 रुपया 20 साल के लिए। फिर दोस्तों अगर बात करें तो 25 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे 10,000 रुपया, एक बार ही करना है आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट, तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 26,46,000 रुपया। दोस्तों बात करते हैं 30 साल की, अगर आज हम 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल बाद ये पैसा हो जाएगा 80,77,000 रुपया। दोस्तों आपने देखा कितना अच्छा है, 80 लाख रुपया तक आपको मिल जाएगा अगर 25% रिटर्न एवरेज रहता है तो। भारतीय शेयर बाज़ार आपको पता है, तो भारतीय शेयर बाज़ार काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी स्कीम है। आज ही आप स्टेट बैंक विजिट कीजिए और यहाँ पे 10,000 का मिनिमम तो लमसम डाल के आप ओपन करवा ही लीजिए। दोस्तों ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।